मनोज ऊपर से जाकर खींचो। हमें भी पढ़ाओ गरीब एवं उपेक्षित बच्चे का जो शिक्षा केंद्र है वहाँ आप हैं। हमारे साथ जो इतने बच्चे खड़े हैं वे सब स्लम से आते हैं, झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। जो हम लोग चला रहे हैं एक संस्था हमें भी पढ़ाओ गरीब एवं उपेक्षित बच्चों का यह आंदोलन है। पूरे पटना में लगभग 50 केंद्र हैं हमारे और 50 केंद्र में बच्चे आते हैं स्लम के, झुग्गी झोपड़ी के, जिनका हम एडमिशन लेते हैं। वैसे बच्चे हैं जो स्टेशन पर जूठा पत्ता चुनते रहते हैं, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, गली मोहल्लों में। उन बच्चों को हम लोग बटोर कर लाते हैं और अपने केंद्र में एडमिशन करते हैं और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संक्रांति के अवसर पर बच्चों को खिचड़ी दही चूड़ा खिलाने के लिए हम लोग यहाँ बुलाए हैं और जिसमें सभी बच्चे आए, सभी तो नहीं है, अभी बहुत कम बच्चे, जाड़ा का समय है, इतने ही बच्चे आ सके हैं। तो आज आप उन्हीं के बीच में हैं। हमारी योजना है पूरे बिहार में इस तरह के हमें भी पढ़ाओ का केंद्र हम चलावें, बिहार के बाहर भी अगर मौका मिलता है तो। अभी तक झारखंड में हमारे कुछ केंद्र चले, फिर उत्तराखंड में, तो दिल्ली में भी हम लोगों ने शुरू करने का प्रयास किया है। ये तमाम जगहों पर हम लोग चाहते हैं कि जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हों, जो समाज के लोग हैं प्रबुद्ध है और जन कल्याण करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में जुड़िए और जो कुछ भी आपकी कमाई है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकाल कर गरीब बच्चों को दे दीजिए। जिस प्रकार मंदिर में आरती चढ़ाते हैं उसी प्रकार यह गरीब बच्चों का कल्याण होगा, जिसमें हम गरीब बच्चों को स्लेट, पेंसिल, किताब, कपड़ा, स्वेटर सब कुछ देने का जहाँ तक संभव होता है हम लोग दे रहे हैं। समाज से ही लेते हैं और इन बच्चों को देते हैं और कभी कई बार हम